आजकल हम देख रहे हैं कि गाड़ियों और बाइकों में ना हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बहुत आ रही है, बट मेरे पीछे जो ये प्रोडक्ट है ये भी एक तरीके का हाइब्रिड है, जो कि है स्कूटर और बाइक का हाइब्रिड। वो कैसे? अब यहाँ से देखने में तो ये प्रॉपर स्कूटर तो लग नहीं रहा, क्यों? क्योंकि इसमें इतने बड़े बड़े व्हील्स हैं, 16 इंच का व्हील है बेसिकली इसके अंदर। तो उन लोगों को टारगेट करने की कोशिश की है जिनको स्कूटर के जो स्मॉल व्हील्स होते थे वो बेकार लगते थे, क्योंकि स्मॉल व्हील्स में गड्ढे ज़्यादा पता चलते हैं और बिग व्हील्स से माइलेज भी ज़्यादा निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे बड़ा जो USPS का वो ये है कि ये एक चार्ज में 200 किलोमीटर तक चल सकता है। ये सारी बातों पे आएंगे बाद में, लेकिन उससे पहले इसकी देखते हैं क्या डिज़ाइन सेंस है। इंडियन फैमिली में ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर वालों से ज़्यादा बड़े निकल जाते हैं, तो ये वही है। इसकी हाइट जो है ज़्यादा बड़ी सी लगती है, बट ऐसे है नहीं, क्योंकि इसके जो पैर हैं वो थोड़े से बड़े हैं। तो ये इतना बड़ा इसका व्हील है, MRF के टायर्स के साथ में आते हैं, 16 इंच के रिम्स है इसके अंदर। स्कूटर के अंदर इतने बड़े रिम्स होना काफ़ी इंप्रेसिव सी चीज़ है इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि गड्ढे वड्ढे बहुत हैं तो उनमें से निकलना पड़ता है। तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है ना, ये कुछ दिखता है ऐसा आगे से। यहाँ से इसका ये फेंडर तो ठीक है, ऐसे दे रखा है जैसे कि क्रॉस रोड होती हैं, जैसे ऑफ रोड बाइक्स होती हैं। तो छोटी मोटी इलेक्ट्रिक स्कूटर पे अगर ऑफ रोडिंग करनी हो तो इसमें आई थिंक छोटी मोटी हो सकती है, हल्की फुल्की। फिर ये आगे से है स्लीक डिज़ाइन। अगर इसका इग्निशन एक बार मैं ऑन करता हूँ यहाँ से, तो ये DRL इसके ऑन हो जाते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुली है। LED डिजाइन DRL है, ब्यूटीफुली डिज़ाइन, यहाँ पे होगी नावा की ब्रांडिंग। फिर इस तरफ है ये टर्न इंडिकेटर्स, तो ये टर्न इंडिकेटर्स भी LED है। डिज़ाइन जो है ना काफ़ी सीमलेस सा है, काफ़ी स्लीक सा डिज़ाइन है। इस तरफ से भी ऐसा ही है, अगर टर्न इंडिकेटर्स को देखें तो ये कुछ स्लीक सा डिज़ाइन है। कोई ऐसा बग या फिर कोई ऐसी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि स्कूटर के बाहर लग रही हो, प्रोडक्ट को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हो। इस तरफ से आगे दिखाओ, ये हेडलाइट है इसकी। खैर ये वाली हेडलाइट काफ़ी सारे स्कूटर में दिख चुके हैं, तो कुछ इस टाइप की ये हेडलाइट है। अप डाउन, हाई बीम लो बीम, LED का क्या रिस्पॉन्स है वो तो रात को पता चलता है। बट अब चीज़ आती है इसका राइडिंग कम्फर्ट। तो व्हील्स बड़े होने की वजह से ऐसा नहीं है कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, हाइट इसकी उतनी इतनी प्रॉपर स्कूटर की होती है। सबसे अच्छी चीज़ इसके अंदर ये है कि इसकी जो कीज़ हैं वो कुछ इस टाइप की है। ये कीलेस एंट्री है इसके अंदर, तो जैसे ही मैं इस की को यहाँ से दबाता हूँ ये ऑन हो जाएगा, और ऑन होने के बाद हमें इसका यहाँ से स्विच ऑन करना है। तो ये ऑन होके चलने लगे, यहाँ पे तीन हमें इंडिकेटर्स दिख रहे हैं। बेसिकली ये जो है ना पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये काफ़ी अच्छा बना रखा है। यहाँ पे देखिए ये गेज है, यहाँ पे स्पीडोमीटर आ रहा है, यहाँ पे आपका ऑडोमीटर है, यहाँ पे बैटरी वोल्टेज है, टाइम भी आ रहा है, टेम्परेचर भी आ रहा है, और यहाँ पे ट्रिप बिक का भी ऑप्शन है। तो जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ इग्निशन ऑन हो गया। यहाँ पे देखो टर्न इंडिकेटर्स मैंने ऑन कर रखे थे, ये इस टाइप का इसका हॉर्न है। यहाँ से राइट में करते हैं इंडिकेटर तो लाइट जल जाती है, मतलब कंसोल इतना बड़ा है, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट नहीं है, रिवर्स SDD टाइप डिज़ाइन है। यहाँ पे ये है लो बीम हाई बीम, ये हॉर्न का बटन है, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स का बटन, और इस तरफ इको मोड और स्पोर्ट्स मोड, और यहाँ पे है आपके हेडलाइट का स्विच, और ये है पार्किंग ब्रेक। अभी तो हम इसको अंदर चला रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें इसकी जो कीज़ हैं इसको लगाने की जरूरत नहीं है, इसको मैं रख लेता हूँ ऐसे पॉकेट के अंदर, तो ये फिर भी चल रहेगा क्योंकि कीलेस एंट्री है। तो यहाँ से ये देखो ये इको मोड पर इसका अगर अंदर से हल्का सा चला लिया जाए तो कुछ इस टाइप का इसका जो पिकअप है वो मिलेगा, बिल्कुल फुल थ्रॉटल पे। और स्पोर्ट्स पे अगर मैं कर देता हूँ इसको, तो पीछे से लेके अगर यहाँ से इसको खींचने की कोशिश की जाए, 3-2-1 स्टार्ट ऐसे करके, तो है तो सही स्टैंडर्ड ड्रैग, और लग भी रहा है कि थोड़ा सा काम कर सकता है इंडियन रोड्स पे। और सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है इसकी रेंज। रेंज के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। इसमें दो मोड हैं, एक है ईको एक है स्पोर्ट। तो ईको मोड पे कंपनी क्लेम करती है कि 200 किलोमीटर्स की रेंज दे सकता है, और स्पोर्ट्स मोड पे कंपनी कह रही है कि 160-165 या फिर 70 किलोमीटर की आप इससे एवरेज 170 किलोमीटर की एवरेज से ले सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी पास आकर दिखाओ। ये है इसका कंट्रोल पैनल, तो यहाँ पर ये छोटा सा एक दिया हुआ बटन सा, इसको ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑफ हो गया, यहीं से ये ऑन हो जाएगा। कीलेस एंट्री है, इसको अगर हम ऐसे करके लेफ्ट कर देते हैं तो ये बूट खोल देगा। तो ये खुल गई हमारी बूट। अब इसमें क्या है कि ओकिनावा के काफ़ी सारे स्कूटर्स के अंदर एक प्रॉब्लम होती थी कि बूट स्पेस नहीं मिलता था, तो इसमें बूट स्पेस भी मिल रहा है 40 लीटर्स के आसपास का। यहाँ पे ये जो है बूट स्पेस है इतना इसका, और ये जो छोटी सी डिवाइस देख रहे हो ना, ये है लाइट। ये लाइट ऐसे करके ऑन ऑफ हो जाती है, यहाँ से ये USB चार्जिंग इसके अंदर, तो इसके अंदर USB प्लग करके फ़ोन यहाँ पे रख सकते हो। तो इस बार इसके अंदर भी बैटरी जो है वो रिमूवेबल है, ये वाला पैनल ऐसे करके निकल जाता है यहाँ से। और ये बैटरी है, एक बार पास आके दिखाओ, तो कुछ इस टाइप की बैटरी है, बहुत बड़ी ओकिनावा की बैटरी लगा रखी है। तो इसको अगर निकालना है आपको तो यहाँ से ये देखिए, ये MC है इधर, MCB, इसको ऑफ किया हमने, और यहाँ से इसका ये वाला प्लग निकाल दिया।
बैटरी बहुत भारी है, बट अगर एमरजेंसी केस के अंदर निकालनी पड़े तो उसके लिए प्रोविजन है कि भैया बैटरी जो है निकल जाएगी। तो कुछ इस टाइप की इतनी बड़ी बैटरी है इसके अंदर, प्रोविजन तो है कि निकल जाएगी, बट कितनी निकाल सकते हैं, कितनी आप वेट उठा सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये किस माइंडसेट से बनाए गए हैं। इसके साथ कुछ इस टाइप का ये चार्जर है, छोटा सा चार्जर है, इस बार कोई बड़ा चार्जर नहीं है, तो ईजीली अब बूट में रखा जा सकता है। 5 घंटे का इसका चार्जिंग टाइम, 5 to 6 घंटे का, 5 to 6 hours। और ये जो बैटरी है, ये बैटरी इतनी बड़ी पता है क्यों है? क्योंकि 72 वोल्ट्स की है और 50 AH की बैटरी है। इस वजह से इसकी जो रेंज है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा इंप्रूव हो गई, थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। वो तो 200 किलोमीटर की रेंज कोई स्कूटर दे रहा है ईको मोड पे, टॉप स्पीड 45 किलोमीटर तक जा सकती है। कंटिन्यू करते हैं डिज़ाइन सेंस, तो यहाँ पे इंडियन कंज्यूमर को देख के, क्योंकि हमें दूध भी लाना है, सब्ज़ी भी लानी है, इन सब चीज़ों को देख के यहाँ पे ये दो हुक्स दिए गए कि दूध इसमें आ जाएगा और आपकी सब्ज़ी जो है वो इसके अंदर आ जाएगी। तो कंज्यूमर्स को देख के ये चीज़ बनाई गई है। स्टाइलिंग का जो पार्ट है वो एलिमेंट्स है इसमें क्रोम के, तो वही बाइकर्स को या फिर जो प्रीमियम सेगमेंट में जाना जाता है उन लोगों को लुभाने की कोशिश है। ये जो फ्लोर है ये फ्लैट है, बट इस फ्लोर में इतना स्पेस नहीं है कि सिलेंडर आए, बट हाँ दो पैर रख सकते हैं, छोटा मोटा बॉक्स या फिर कोई एक बैग या थैला वगैरह यहाँ पे इजीली आ सकता है। रेयर पैसेंजर के लिए जो पिलियन है वो अपने पैर कहाँ रखेगा, तो उसके लिए ये है फुटरेस्ट, ये इंटीग्रेटेड फुटरेस्ट है, यहीं से ऐसे करके पैर लगाओ और ये ऊपर जगह इसके अंदर ऊपर शूज रख दो। तो जैसे अगर मैं पीछे बैठा हूँ तो मुझे हाथ से खोलनी जरूरत नहीं है इसको, मैं यहीं से इसको ऐसे करके खोलूँगा और ये अपना शू यहाँ पर रख दूंगा पिलियन के लिए, और जो राइडर होगा वो आगे बैठेगा कुछ इस टाइप से। और फिर अगर डिज़ाइन लेने एलिमेंट पे चलते हैं तो ये है इसका सेंटर स्टैंड। कुछ कंपनीज क्या करती हैं, सेंटर स्टैंड नहीं देती, पर इसमें दिया हुआ है। ये जो स्विंग आर्म है ना, ये मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा क्योंकि ये डुअल सस्पेंशन के साथ में आ रहा है, तो डुअल स्प्रिंग सस्पेंशन है, स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन। ये स्विंग आर्म एल्युमिनियम का है, और एक और अच्छी चीज़ है इसके अंदर कि ड्रम ब्रेक का यूज़ नहीं किया हुआ, रेयर में भी डिस्क ब्रेक है और आगे भी डिस्क ब्रेक है। तो व्हील्स बड़े हैं, पावर है, रेंज अच्छी है, तो हमें ब्रेकिंग का भी जो फंडामेंटल है उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, और इस चीज़ को भी नॉर्मल तरीके से नहीं बनाया हुआ, इसको भी थोड़ा सा डिज़ाइन थोड़ा सा प्रीमियम तरीके से इसको बनाया गया। तो ये जो अगर कॉल जो हो रही है डिज़ाइन के एजेस इस तरफ से, ये देखिए सिंपल भी नहीं है, कंट्रास्ट भी है इसके अंदर, जैसे कि सिल्वर और यहाँ पे पियानो ब्लैक, यहाँ पे मैट ब्लैक, तो ये कंट्रास्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। फिर डुअल सस्पेंशन है, स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन है इट कॉल्ड। यहाँ पे एक ये रेयर फेंडर आ गया पीछे, ये रेयर फेंडर यहाँ तक जा रहा है, ये बेसिकली मड फ्लैप है इधर, ठीक है। एक और सपोर्ट के लिए यहाँ पे एक और रेयर फेंडर है, बट इसका कोई ऐसा यूज़ नहीं है, यहाँ पे आ जाती है OK90 की ब्रांडिंग। ये जो है स्कूटर काफ़ी सारे कलर्स के अंदर आ रहा है, जिसमें रेड है, ब्लू है, ग्रे है, और हम इस वक्त जो आपको दिखा रहे हैं ये वाला वाइट है। तो ये हर एक किसी के अंदर ना ये जो कंट्रास्ट है ये चेंज होगा। तो कुछ इस टाइप की ये टेल लैम्प्स हैं पीछे से, एस्टन मार्टिन गाड़ी आती है एक एस्टन मार्टिन, उसके अंदर ऐसा फ्लूइड डिज़ाइन, बिल्कुल राउंडेड डिज़ाइन यूज़ किया जाता है। कुछ कुछ इंस्पिरेशन इन सब स्कूटर्स मेकर्स की वैसी सी होती है कि ये राउंड इंस्पिरेशन ही यूज़ करें अगर इसको ब्रेक करते हैं तो कुछ इस टाइप की इसकी जो है ये ब्रेक लाइट हो गई। टर्न इंडिकेटर्स अगर मैं ऑन करूं तो यहाँ से, वो भी LED बेस्ड ही टर्न इंडिकेटर्स है। अच्छा ही है कि आजकल की कंपनी जो है वो हैलोजन बेस्ड चीज़ें नहीं दे रही, क्योंकि हैलोजन बेस्ड जब चीज़ें देते हैं तो उसके अंदर पावर कंजप्शन ज़्यादा होता है, जिससे कि बैटरी की जो आउटपुट होती है, जो रेंज होती है ना, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सारी चीज़ें LED होनी चाहिए, यही बेस्ट है आज के डेट में। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बेसिकली लाइट फ्रिक्शन वाली चीज़ें ही यूज़ की जाती हैं, तो चेन ड्राइव ना करके इसको बेल्ट ड्राइव किया जाता है। यहाँ से अंदर मोटर है इसमें आई थिंक, तो यहाँ पे ये मोटर लगी हुई है, सेंट्रल हब मोटर है इसमें, और ये जो व्हील्स हैं ये एक ड्राइव बेल्ट की तरफ से घूमते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि एक तो टॉर्क ज़्यादा मिल जाता है, बजाय हब मोटर यूज़ की जाए सेंट्रल माउंटेड मोटर्स होती हैं, उसमें क्या होता है कि वाटर लॉगिंग, जैसे कि अगर पानी यहाँ तक भी भरा तो मोटर तो पीछे की तरफ है, वहाँ तक तो जाएगा नहीं पानी, तो वो चीज़ें बच जाती हैं उसके अंदर, और बहुत सारे जो मेंटेनेंस की चीज़ें होती हैं वो भी सॉर्ट आउट हो जाती है। तो गाइस इसके अंदर जो और कलर है ना वो कुछ इस टाइप का है, देखो ये वाला है एक रेड कलर, एक और कलर इसके अंदर ये ब्लू, ऐसे ही और भी कलर हैं इसके अंदर, जैसे कि ग्रे कलर, और आप इनकी बेनिफिट वगैरह पढ़ सकते हैं, डिटेल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये था इसका सिर्फ डिटेल वॉक अराउंड वीडियो, टेस्ट राइड पे बहुत जल्दी जाएंगे, उसके बाद टेस्ट राइड का वीडियो बनाएंगे। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग इंडियन, बाय बाय।